नमस्कार, प्राइम टीवी के इस खास कार्यक्रम प्राइम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आज यूपी विधानसभा चुनाव का पहला चरण है, यानी कि आज पहले चरण के मतदान हो रहे हैं। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों में जहां एक तरफ हलचल बढ़ गई है, तो वहीं प्रत्याशियों के भी अपने अपने जीत के वादे सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में हरदोई के बालामऊ से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि अपनी पार्टी की रणनीति बताएंगे और जो दावे वादे किए जा रहे हैं, जिन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, उन सवालों का भी जवाब देंगे। आपको बता दें कि सुरेंद्र कुमार साल 2009 से निरंतर क्षेत्र की जनता से संपर्क रहे हैं और जनता की समस्याओं को दूर करने का काम भी करते आए हैं। जिन्होंने साल 2010 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी चुनाव लड़ा है, जबकि साल 2017 में भी सुरेंद्र कुमार ने जन अधिकार मंच पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। वहीं इस बार भी सुरेंद्र कुमार चुनावी मैदान में और कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनसे आज हम आगामी चुनावों को लेकर खास बातचीत करने वाले हैं और पार्टी की रणनीति के बारे में भी जानेंगे। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार जी। सुरेंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है माई प्राइम चर्चा में। कांग्रेस इस बार चुनावी मैदान में है, अगर देखा जाए यूपी में प्रियंका गांधी काफी सक्रिय नजर आ रही है, आपको मौका दिया गया है विधानसभा चुनाव लड़ने का, क्या कुछ नीति और रणनीति के साथ उतरे हैं? मैं हरदोई बालामऊ विधानसभा की जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरीके से मेरी राष्ट्रीय नेता कांग्रेस की महासचिव माननीय प्रियंका दीदी जी, जिस तरीके से उनका घोषणा पत्र है जी। उनके ये आरक्षण की नीति है, भागीदारी की लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और महिलाओं को हिंदुस्तान में आजादी के बाद पहली बार इतना मौका दिया गया कि 40% महिलाओं को कांग्रेस पार्टी ने लड़ाने का काम किया है। और बालामऊ विधानसभा की जनता को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि विगत 12 सालों से मेरे क्षेत्र के गरीब मजलूम और पिछड़ों दलितों जी, तमाम लोगों की किसानों की मदद करता चला रहा हूँ, अनवरत मेरी मदद जारी रहेगी। जी सुरेंद्र जी, काफी लंबे समय से हैं आप राजनीति में, और ऐसे में आपने कांग्रेस का साथ ही क्यों चुना? कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जी, और मैंने इसलिए इस पार्टी को चुना है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में आजादी के बाद जिस तरीके से आम जनता जनमानस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में परेशान है जी, जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर है, तो जो आजादी के बाद जो कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान की व्यवस्था बनाई थी, मौजूदा सरकार उसकी व्यवस्था को चरमरा दिया है, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने का निर्णय। सुरेंद्र कुमार जी, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों में पहली बार मुद्दा उठाया महिलाओं का, वहीं बीजेपी भी दावा करती कि शिक्षा सुरक्षा को लेकर महिलाओं के लिए काफी कुछ काम किया गया है, काफी योजनाएं लाई गई हैं, क्या कहेंगे इस पे? आज जो उत्तर प्रदेश की हिंदुस्तान की सरकार है, केवल कागजों पे मीडिया पर ये है कि हम महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरीके से बालामऊ विधानसभा में आज तक कोई भी महिला डिग्री वाले कोई भी राजकीय महिला कन्या विद्यालय आज भी नहीं बनी है, जिस तरीके से शिक्षा का स्वास्थ्य का इतना अभाव है, आप लोग अपनी बात पता लगा सकते जी। सुरेंद्र जी, आपकी विधानसभा में इस वक्त मुख्य मुद्दे कौन कौन से, कौन कौन सी समस्याओं से जूझ रही है विधानसभा? बालामऊ विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य का अभाव, बेरोजगारी, गरीब। जिस तरीके से आजादी के बाद इस विधानसभा में आज तक कोई भी महिला महाविद्यालय राजकीय कन्या इंटर कॉलेज आज भी नहीं है, और कोई भी यहाँ पर इंग्लिश मीडियम, जो आज का जो हमारा जो उत्तर प्रदेश की सरकार का नारा है, ये कह रहे कि सबको शिक्षा, सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, आज तक यहाँ पर जिस तरीके से लोग अच्छे स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा लेने के लिए दूसरे प्रदेश में या दूसरे शहरों में जाते हैं, आज तक ये सबसे बड़ा मुद्दा, जो आज तक यहाँ पर कोई पढ़ाई की समुचित व्यवस्था नहीं। सुरेंद्र कुमार जी, इस वक्त बालामऊ में भाजपा के विधायक हैं और भाजपा ऐसा दावा कर रही है कि बहुत काम किया गया है 5 साल में, तो आपकी विधानसभा में क्या कुछ कार्य हुए हैं?
हमारी विधानसभा में आज तक कोई भी काम नहीं हुआ है। यहाँ की सड़कें इतनी जर्जर हैं, जो माननीय विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी के उनके गांव तक जाने के लिए आदमी चार पहिया वहां से नहीं जा सकता, उसको उतर के जो है पैदल या बाइक से जाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी एक समस्या है। दूसरी बात, हमारे यहाँ कोई भी रेजिडेंट मंडी नहीं है और इस क्षेत्र की जनता अगर हमको उचित सम्मान और हमको यहाँ का प्रतिनिधि चुनती है तो सबसे पहले यहाँ पे करना महाविद्यालय जी, महिला महाविद्यालय, दूसरा स्वास्थ्य संबंधी अस्पताल, तीसरा यहाँ मंडी की हम लोग व्यवस्था करेंगे जी। किसानों के लिए मंडी की व्यवस्था तो करेंगे जी। आज हमारे विधानसभा का किसान जो है वो दूसरे शहरों में जाके और अपना तो 6 महीने की मेहनत अपने अनाज बेचने के लिए दूसरी जगह उसको जाना पड़ा जी। सुरेंद्र जी, मंडियों की व्यवस्था करेंगे किसानों के लिए, और क्या कुछ सोच रहे, क्योंकि महिलाओं का मुद्दा लेके तो कांग्रेस बड़ी जोर शोर से आगे चल रही है, महिलाओं को लेके आगे बढ़ने और इस बार के चुनाव में कई सीटें हथियाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, लेकिन किसान कहीं कम दिखाई दे रहे हैं। किसानों के लिए घोषणा पत्र में भी बहुत कुछ कम देखने को मिला है, तो क्या कुछ आप अपनी विधानसभा में करने वाले किसानों के लिए? कांग्रेस पार्टी किसानों की मसीहा है। आजादी के बाद जो कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए किया है और करने वाली है, इस विधानसभा में किसानों के लिए जो भरसक प्रयास हो सकता है, गन्ने का उचित मिल दिलवाना जी और उनकी फसल का उचित जो है मूल्य दिलाना, ये हमारी प्राथमिकता रहे। कट गया सर जी। सुरेंद्र जी, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके क्या कुछ आपके मुद्दे हैं, किस तरह से जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करेंगे? सुरेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है सुरेंद्र जी से। तो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और कई अपने ऐसे मुद्दे बता रहे हैं विधानसभा से जुड़े हुए। सुरेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी। तो सुरेंद्र जी, मैं अपना सवाल दोहराना चाहूंगी, जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं भी इस वक्त खराब है बालामऊ विधानसभा में, तो उनको ठीक करने के लिए आप क्या कुछ कदम उठाएंगे? तो कांग्रेस प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका संपर्क कुछ टूट रहा है हमसे। आपको बता दें कि राजनीति में काफी लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से प्रत्याशी इस बार चुने गए हैं, और जिस तरह से सुरेंद्र कुमार जी ने बताया है कि उनकी विधानसभा में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जनता को, वो चाहे खराब सड़कें हों, एक गाँव से दूसरे गाँव तक चार पहिया वाहन का उपयोग करके जाया नहीं जा सकता है, इतने गड्ढे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कहीं पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है बालामऊ। कई परेशानियां हैं जिनको दूर करने का वादा और दावा कर रहे हैं। चुनावी समय है, ऐसे दावे और वादे सभी पार्टियां करती हैं, और जिस तरह से जनता ने भरोसा दिलाया इस वक्त के मौजूदा विधायक को, उन्होंने जिताया जनता ने, और जनता को, जनता द्वारा जिताए जाने के बाद कई गायब से नजर आ रहे मौजूदा विधायक। और हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं सुरेंद्र कुमार जी। सुरेंद्र कुमार जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधा भी काफी खराब है, आपने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, सभी का हाल खराब है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र को कैसे सुधारेंगे? सर्वप्रथम बालामऊ की विधानसभा के सम्मानित सभी भाई लोग अगर हमारे पर विश्वास जताते हैं जी, निजी अस्पताल के साथ साथ सरकारी अस्पताल की स्थापना करना सबसे बड़ी समस्या है। जो कछोना और बालामऊ विधानसभा का कछोना हेड है और यहाँ पर रेलवे जंक्शन भी है और यहाँ पर कोई मंडी समिति नहीं है जी। यहाँ पे हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि मंडी समिति की स्थापना करना। दूसरी हमारी सबसे बड़ी जो मुद्दा रहेगा, यहाँ पर जो है तहसील की स्थापना करवाना जी।
सुरेंद्र कुमार जी, जिस तरह से सभी चीजों के हाल खराब हैं और किसानों की एक परेशानी और ये भी है, मंडी नहीं है जिसका आप समाधान करेंगे, एक परेशानी और होती है गौवंश और छुट्टा जानवर जो कि जो उनकी फसलों को खराब कर देते हैं, इस समस्या से कैसे निजात दिलाएंगे? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस सरकार का जो भी काम हो रहा है कि गौशाला बनी सब कागजों पर है, किसी गौशाले में चारे की व्यवस्था नहीं है, किसी भी गौशाले को अस्थाई नहीं किया गया है, प्रधानों को मौखिक आदेश देकर और मेड़बंदी करके किसानों पर रख दिया जा रहा, हजारों गायें जिसको हिंदुस्तान की जनता जो है पूछती है, हिंदुस्तान के लोग पूछते हैं, हजारों गायें मर चुकी हैं और कागजों में नहीं दिखाया जाता, न चारे की व्यवस्था न रहने की व्यवस्था है। ग्राम प्रधानों के सहारे हैं और ग्राम प्रधानों के पास आप लोगों को जानकारी होगी कि कोरोना के बाद कोई फंड नहीं है, बड़ी मुश्किल से पैसा मिलता है। रात में गाय जो कहीं पर जब अस्थायी दीवाले कोई भी जो है जगह नहीं बनी हुई है तो रात में जानवर छुटका जानवर जाके किसानों की पूरी फसल को फसल खत्म कर दे रहे हैं। किसान बहुत ही समय परेशान है। जी सुरेंद्र कुमार जी, आपने अभी कहा था कि सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त है बेरोजगारी और महंगाई का, तो कांग्रेस की सरकार आती है तो इस पे कैसे काम करेगी कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में महंगाई है, आजादी के बाद की भी इतनी महंगाई नहीं रही, और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा जो है मुद्दा रहेगा कि जैसे कि हमारी राष्ट्रीय नेता प्रियंका जी ने ये कहा है कि सबसे पहले बेरोजगारी खत्म करना, महिलाओं को स्कूटी देना, बच्चों की पढ़ाई और चिकित्सा का पूर्ण ध्यान देना, ये प्राथमिकता रहेगी सरकार। जी आपने कहा कि आपके विधानसभा में कोई भी बालिकाओं के लिए ऐसा विद्यालय नहीं है जहां पे महिलाओं को अच्छी शिक्षा मिल सके, तो उसके लिए आप काम करेंगे। वहीं बात करी जाए सुरक्षा की, तो उसके लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे आप? महिलाओं की सुरक्षा के लिए कांग्रेस लगातार तत्पर रही है। जहां भी हिंदुस्तान में जिन प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की सरकार रहे वहां पे सभी लोगों को, हिंदुस्तान की जनता को मालूम है कि किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा का, उनकी पढ़ाई का, उनके स्वास्थ्य की योजनाएं चल रही, वो उत्तर प्रदेश में भी चल रही। जी सुरेंद्र कुमार जी, आपके द्वारा आपके विधानसभा में अभी तक क्या कुछ कार्य किए गए हैं जिनको देखते हुए जनता आप पे विश्वास जताए और इस बार आपको जिताए, ये जानना चाहेंगे? विगत में 12 वर्ष से इस क्षेत्र की जनता का जो भी मुझसे प्रयास होता रहा है जी, चाहे हमारा एक नारा है घर से लेकर घाट तक, और गरीब बेसहारा तमाम अनाथ लड़कियों की मैंने जो हो सकता है मुझसे संबंधन से उनकी मदद की, उनकी शादी कराई है। तमाम जो लोग अपना इलाज नहीं कर सकते थे, अभी कोरोना काल में जो बहुत समस्याएं थी, प्रवासी मजदूरों की समस्याएं थी, बहुत लोगों के यहाँ खाने को नहीं था, जो हमसे उचित हो सका उनको राशन सामग्री भी बंटवाई है। बहुत सारे गरीबों से आप जुड़े रहते हैं सुरेंद्र जी, और ऐसे गरीबों के लिए क्या कुछ ऐसी योजना लाएंगे जिनसे उनको छत मिल सके, या फिर जो है जो अपनी गरीबी की जीवन जी रहे हैं उनको कम से कम खाना और कपड़े मिल सके? क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा देखा जा रहा है गरीबी का जो जीवन जी रहा है वो और गरीब होता जा रहा है, तो उनके लिए क्या कुछ योजनाएं होंगी? बालामाऊ विधानसभा की सम्मानित जनता से मेरा निवेदन है जी, कि हम जैसे किसान परिवार के प्रत्याशी को अगर जनप्रतिनिधि बनाती है तो सबसे पहले मैं इस क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय जी, और मैं इस क्षेत्र में रोजगार की बहुत सारी जो कांग्रेस पार्टी की योजनाएं रहेंगी, औद्योगिक क्षेत्र हमारे बगल संडीला में है जी, हमारी विधानसभा में आता औद्योगिक क्षेत्र आता है, वहाँ पर बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना, और यहाँ के तमाम जो हमारे किसान भाई मजदूर भाई बाहर मंडियों में अनाज बेचने जाते हैं, दूसरी जगह दूसरे प्रदेशों में काम करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करके और उन बेरोजगारों को वहाँ पर उचित उन लोगों का स्थान दिलाना, उनको रोजगार दिलाना मेरा प्राथमिकता रहे।
जी सुरेंद्र जी, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? हम यहाँ की जनता को संदेश देना चाहते हैं, एक बार जाति बंधन, धर्म बंधन, पार्टी बंधन छोड़कर हमारे, हमको एक मामूली से किसान परिवार के बेटियों को अगर जिताएंगे तो जनता के साथ मैं कंधा से कंधा मिला के तन मन धन से उसके साथ रहूंगा, उसकी सेवा करता रहूंगा। जी यानी सुरेंद्र जी, अगर जनता आपको जिताती है तो बदलाव होगा, जनता जिन परेशानियों से जूझ रही है उनका समाधान होगा। आजादी के बाद जो हमारी सोच है, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र राज्य से आज तक जो मेरी सोच है कि मजलूम मजलूम, गरीब बेरोजगार, अति पिछड़े, दलित और किसानों के लिए ये मेरी प्रतिज्ञा, मैं अनवरत काम करता रहूंगा उनके भलाई के लिए, उनके सम्मान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए लड़ाई करता। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्राइम चर्चा का भाग बनने के लिए। हमारे साथ आज प्राइम चर्चा में हरदोई के बालामऊ से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार जी जुड़े थे, जो कि काफी लंबे समय से राजनीति में रहे हैं और इस बार कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, और इन्होंने बताया कि वो गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, जिस तरह से कांग्रेस की नीतियां उनके साथ चलते हुए और साथ ही अपनी नीति यानी कि गरीबों के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। फिलहाल आज की प्राइम चर्चा में इतना ही, अगली बार प्राइम चर्चा में किसी अन्य मेहमान के साथ मिलेंगे और जानेंगे चुनावी मुद्दे क्या हैं उनके। कुछ बाल पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।